महावारी पर कार्यशाला में महावारी शब्द के बिना बोलते रहे डीईओ। मुझे थोड़ा अजीब सा लगता है कि 15 मिनट से मैं सुन रहा आपने मेंस्ट्रुअल हाइजीन शब्द ही इस्तेमाल हो सकता है, किसी चीज पे सेमिनार है आप उसी शब्द का प्रयोग नहीं कर रहे। चलिए ठीक, तो एक टैबू की तरह क्या है? टैबू नहीं है, कोई टैबू नहीं है। मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य योजना के तहत महावारी स्वच्छता प्रबंधन MHM यानी मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट पर माध्यमिक विद्यालय की शिक्षिकाओं का एक वर्कशॉप का आयोजन सोमवार को किया गया। बिहार शिक्षा परियोजना और यूनिसेफ द्वारा आयोजित इस 5 दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन डीईओ रतीश झा ने किया, लेकिन महावारी पर आयोजित कार्यशाला में शिक्षिकाओं को संबोधित करते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी ने महावारी पर कोई बात नहीं की। बाद में पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि उनसे पहले के वक्ताओं ने इस पर बात किया है और ट्रेनिंग के आखिरी दिन वो भी महावारी पर बोलेंगे। सर, ये मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे प्रोग्राम था मुझे जहाँ तक पता है, तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन जब से मैं बैठा हूँ आपने मेंस्ट्रुअल हाइजीन शब्द का इस्तेमाल भी नहीं किया। नहीं, इस्तेमाल नहीं किया कि वो अभी देखिए ट्रेनिंग तो ये 5 दिन का ट्रेनिंग है और इसमें सारे चीज बताए जाएंगे। मैंने ओवरऑल एक एजुकेशन स्ट्रक्चर पर बात की, ये तो एक पार्ट है उसका ना, हम लोग ये ओवरऑल ये होल नहीं है, ये उसका एक पार्ट है। तो हमने तो जो बातें बताई उनको उसमें तो सारी चीज़ें समाहित हैं, ठीक है ना। और चूंकि हमारे DPO सर्व शिक्षा अभियान ने उसको हाईलाइट कर दिया, उसके पहले हाईलाइट हो गया था, इसीलिए हम वो जब फिर हम लास्ट डे आएंगे तो फिर इस पर ज़्यादा जब ये लोग सारे ट्रेनिंग होंगे। मुझे थोड़ा अजीब सा लगता है कि 15 मिनट से मैं सुन रहा आपने मेंस्ट्रुअल हाइजीन शब्द ही इस्तेमाल हो सकता है, किसी चीज़ पे सेमिनार है आप उसी शब्द का प्रयोग नहीं कर रहे। चलिए ठीक, एक टैबू की तरह क्या है? टैबू नहीं है, कोई टैबू नहीं है। 93% से ज़्यादा लोग सैनिटरी पैड अब भी यूज़ नहीं कर रहे हैं इंडिया में, और बिहार सबसे बुरे हाल में, इसीलिए तो ये प्रोग्राम ये किशनगंज की कंडीशन हालत क्या है? इसीलिए ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ है, और किशनगंज क्या पूरे बिहार की स्थिति यही है, खासकर ये इस इलाके की जो सीमांचल का इलाका है। और इस प्रोग्राम को लॉन्च करने के पीछे उद्देश्य ही यही है कि इसमें महिलाएँ, चूँकि महिलाओं को देख रहे हैं आपके, इसमें इन्वॉल्व किया गया। हम किसी को यदि बताएंगे तो आप जानते हैं कि सारे पुरुष से यदि इसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसलिए महिलाएं वापस जाएंगी और इसको अच्छे से, यही तो मैंने इनको कहा कि इस प्रोग्राम को आप जितना अच्छे से फील्ड में इसको ट्रांसफर करिएगा वही इस प्रोग्राम की सफलता होगी। इस तरह की परेशानियाँ आ रही हैं कि कम्युनिकेशन, बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए ना महिलाओं को, महिलाएँ बच्चियों के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगी तो फिर तो नहीं हो पाएगा। मास्टर ट्रेनर कुमारी गुड्डी ने बताया कि महावारी से जुड़ी धारणाओं और संकोच को तोड़ने के लिए इस कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। 5 दिवसीय प्रशिक्षण 24 मई तक चलेगा। 5 दिन का वर्कशॉप है जिसमें महावारी विषय पर हम लोग टीचर्स को बताएंगे, महिला शिक्षिकाओं को जो पूरे जिले से आई हुई है, 7 ब्लॉक से हैं और ये लोग आई हुई हैं। ये लोग अपने अपने स्कूल में नोडल टीचर के रूप में जाएंगी और वहाँ पे बताएंगी अपने बच्चियों को महावारी, जो एक धारणा बन गई है समाज में कि हम ये एक गुप्त बात है, हमें इसे बताना नहीं है, हमें छिपा कर रखना है। इसी धारणा को हम लोग तोड़ने के लिए, हेजिटेशन ब्रेक के लिए ये वर्कशॉप है। कब से चल रहा है ये? आज से शुरू हुआ। कुछ इसका फ़ायदा नज़र आ रहा है? ये आज से शुरू हुआ है। हम लोगों ने जो 5 दिन अपने वहाँ पटना में लिया, वो हम लोगों का हेजिटेशन जिस तरह से वहाँ टूटा है, हम लोग चाहेंगे कि जिले में भी वो हेजिटेशन टूटे।